वाला है बिकॉज मैं क्लियरली बोलना चाहती हूँ, मैं इसी ब्लॉग में बताना चाहती हूँ कि कल का ब्लॉग बहुत स्पेशल है बिकॉज कल मेरा बर्थडे है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह हो गई है, सुबह के 9 बज रहे हैं, हम सब अभी रूम में ही हैं। अभी नाश्ता करने जाएंगे तो आपको वहाँ का दिखा देंगे पापा। चलो चले नाश्ता करने। और क्या कह रहा था, थोड़ा तेज थोड़ा बात नहीं आ रही, यहाँ पे एसी चल रहे हैं। देखो कबूतर, ठीक है। मम्मी कह रही है कि तुमने तो जाओ, पापा मम्मी मेरे साथ ही चलेंगे। वो देखो उसका घोंसला दिख रहा है, कबूतर का घोंसला। टुक्की ने ज्यादा कुछ नहीं लिया, उसके पेट में दर्द हो रहा है। क्या ये सच है? रूम में वापस आ गए क्योंकि टुक्की को वॉशरूम जाना था, तो मुझे जल्दी से भाग के आना पड़ा रूम में। बट हम अपने खाने के लिए कुछ लेकर आए हैं, हम लेकर आए हैं क्या क्या लेकर आए हैं, हम लेके आए बनाना सैंडविच जो कि अच्छे नहीं है सच में, और अंडा ब्रेड। ये मैंने तो अपना खा लिया, टुक्की का ऐसी रखा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए उसने कुछ नहीं खाया। तो अब पापा तो गए अपने कुछ काम के लिए बाहर, बट अभी हम लोग रूम में ही है और कुछ खास तो कर नहीं रहे बट स्टिल। अच्छा वैसे ना, मैंने ये जो टॉप पहना हुआ है ना, इसका एक स्पेशल रीज़न है, ये रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट ये टॉप पहना हुआ है और इसके साथ ये देखो मैंने क्या पहन रखा है, अपना पिंक कलर का नाइट सूट का पजामा। बिकॉज जो मैंने ना कल ब्लैक कलर की लेगिंग पहन रखी थी, जेगिंग पहन रखी थी एक्चुअली, बट द पॉइंट इज कि मैंने वो पहन तो रखी थी, तो मैं बेड पर लेटी तो वो जो वाइट कलर के रोए रोए से नहीं होते, वो सारे के सारे उस पर लग गए, तो वो तो ख़राब हो गई। मैं उसे बाहर तो पहन के जा नहीं सकती, इसीलिए मैंने अब ये वाला पैजामा पहन लिया है ताकि ये ख़राब तो ना हो कम से कम, और जो कपड़े मुझे बाहर पहनने जाने हो मैं पहन के जा सकूँ। बिकॉज कल मेरा बर्थडे है, तो कल का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, सो स्टे ट्यून। ये रहे हम लोग, अब पापा तो ऑफिस चले गए, ऑफिस मतलब कि कुछ काम के लिए बाहर गए हैं, और मम्मी सो रही है, और मेरे को और टुक्की को ना अभी ना थोड़ी सी ना डांट पड़ गई फ़ोन देखने के लिए, इसलिए टुक्की तो गुस्सा हो रखा है। ये रहा, और हम लोग शिनचान देख रहे थे। तो अभी मम्मी सो के उठ गई है, हो रही मम्मी देखा देखा देखा, मम्मी अभी मुझे डांटने वाली थी, बट कोई नहीं कोई नहीं। एनी वेज तो मम्मी सो के उठ गई है, मम्मी अभी टुक्की को पढ़ाएगी और मैं पढ़ रही हूँ, मैं अभी अपनी नॉवल पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ किंग ऑफ रात बाय एना होंग, बहुत अच्छी है सच में। मैं अभी पेज नंबर 147 पर हूँ, बहुत अच्छी बुक है, यू शुड ट्राई। अभी मम्मी पापा बाहर गए हैं मार्केट कुछ लंच लेने के लिए, बिकॉज अभी हम में से किसी को भी ज़्यादा भूख नहीं है, किसी का कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा एक्चुअली, बट ये है कि लंच तो करना ही है तो उसके लिए। और मैं अभी भी अपनी बुक ही पढ़ रही थी, एंड लुक, मैं ना एक्चुअली आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि मैं किस पार्ट पे पहुंची हूँ, ये देखो लाइक जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रील्स बनती हैं। यस बट आई हैव सीन द वे ही लुक्स एट यू, लाइक ही नेवर वांट्स टू लुक अवे। लाइक इस पे इंस्टाग्राम पे इतनी ज़्यादा रील्स बनी थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी वाला पार्ट पढ़ने के लिए, एंड फाइनली मैंने पढ़ लिया ना, आई रियली लाइक इट, लाइक इट्स अ ग्रेट बुक, सच में बहुत अच्छी बुक है। श्रिया मैं ये बुक पढ़ रही थी, और वैसे कोई बोलता नहीं है इस बुक के बारे में ऐसा, बट दिस इज़ अ वेरी फनी बुक यार, ये दोनों बहुत फनी है। रहा हमारा लंच कचौड़ी, अभी हम लोगों का लंच हो गया और मम्मी पापा लेके आए हैं लस्सी, और ये लस्सी हम सब में बटेगी, किसके साथ, किसी के भी साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। मैं अभी आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि ऑलमोस्ट रात हो गई है, 7 बजने वाले हैं, बट स्टिल हम लोग यहाँ रूम में ही हैं, मम्मी पापा के लिए बाहर गए हुए हैं, अब हम क्या करें। ये रही मैं, ये रहा टुक्की, हम लोग रूम में अकेले, हम क्या कर रहे हैं, हम फ़ोन देख रहे हैं, ये टीवी, ये फ़ोन देख रहा है, साथ में टीवी भी देख रहा है, शिनचान भी देख रहा है, ये गिर गया लगी तो नहीं। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, हाँ, VS गेमिंग को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दो। ओके मैं इसके यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और ये देखो मेरी हालत, लाइक मैंने पजामा पहन रखा, लाइक क्या बोलते हैं इसे, नाइट ड्रेस का पजामा पहन रखा है, और ये टी शर्ट पहन रखी है, और मुझे आप लोगों को बताना था कि मैंने ये टी शर्ट क्यों पहन रखी है, बट अब मम्मी आएगी तभी तो मैं बताऊंगी। सो दिस इज़ मी। 7:30 बजने वाले हैं
और मैं बहुत बोर हो रही हूँ, और ये अभी तक फ़ोन ही देख रहा है, इसका कोई काम नहीं है। अब पता नहीं कौन सी गेम खेल रहा है। और मैं बोर हो रही हूँ, तो मैंने सोचा कि हम पढ़ेंगे यहाँ का मेन्यू, बिकॉज़ मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था कि यहाँ का सारा स्टाफ चेंज हो गया, तो पूरा मेन्यू भी चेंज हो गया है, और काफ़ी अच्छा हो गया यहाँ का मेन्यू, पहले से काफ़ी बेटर हो गया है। तो अभी हम बस यही देख रहे हैं, मुझे तो अब भूख भी लग रही है। मैं अभी मम्मी पापा को कॉल करके बोलती हूँ कि मम्मी पापा कुछ खाने के लिए भी ले आए अपने साथ, ताकि हम लोग खा पाए। यार भूख लग रही है मुझे बहुत, क्योंकि आज हमने लंच में भी, मैंने आपको दिखाया था कि हमने कचौड़ी खाई थी, बट हमने वो एक ही कचौड़ी खाई थी और नहीं खाया था, क्योंकि उस टाइम पर तो भूख लग नहीं रही थी, बट अब तो लग रही है। और तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आज ये टॉप क्यों पहना है। मम्मी आ जाओ बता देते हैं मेरे टॉप क्यों पहना है। देखो मम्मी और मेरा बिल्कुल सेम सेम टॉप है, इसीलिए आज हम दोनों ने, माँ बेटी ने, मैचिंग मैचिंग का आउटफिट पहना है। अच्छे लग रहे हैं ना, है ना मम्मी? अच्छे लग रहे हैं। मम्मी पापा मार्केट से आ गए और हमारे लिए ये लेकर आए हैं, मुझे लगा था कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेके आएंगे, बट नहीं। तो मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि मेरे मम्मी पापा मार्केट से क्या क्या सामान लेके आए। बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया, बट जो भी किया आपको दिखा देते हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि मैंने इतना वियर्ड कॉम्बिनेशन क्यों पहना हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कपड़े ख़राब हुए, इसीलिए मैं नहीं पहना था। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम कौन सी चीज़ें शुरू करें, सबसे बड़ी चीज़ या सबसे छोटी चीज़? छोटी। सबसे छोटी। तो सबसे छोटी चीज़ जो लेके आए हैं मम्मी पापा, वो है मेरे ख्याल से, कोई वो है मेरे ख्याल से ये, मैंने आपको पहले बताया था कि मम्मी पापा हमारे लिए खाने के लिए सिर्फ फ्रूटी लेके आए थे, बट नहीं, मम्मी पापा ये चिप्स भी लेके आए थे जो बहुत टेस्टी होते हैं। अगर आपको नॉर्मल चिप्स में नमक ज़्यादा लगता है ना, तो सीरियसली ये वाले ट्राई करो, बहुत अच्छे होते हैं। इनमें नमक भी कम होता है और काफ़ी सारी क्वान्टिटी आती है। ये तो हमने हम खा गए कुछ ये, और इसमें है पेठा। मम्मी पापा पेठा लेके आए, मम्मी पापा को पेठा बहुत अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली पेठा इतना नहीं पसंद, बट फाइन। सो दूसरी चीज़ हम दिखाएंगे सेकंड स्मॉलेस्ट थिंग, जो कि मेरे ख्याल से हो जाएगा ये एक्चुअली मैंने भी खोल के नहीं देखा है कि है क्या, बट मम्मी बताई थी कि इसमें स्लिपर्स है, तो हम देख लेते हैं। ये रहा बॉक्स, तो इसे खोल के देख लेते हैं, साथ में खोल के देख लेते हैं। इसमें है स्लिपर्स, एग्जैक्टली इसमें स्लिपर्स हैं। ओह इसमें हील्स हैं, ओह इसको कितना प्रिटी कलर है। हील्स भी इसमें वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, सो इट्स रियली गुड। सो अभी इसको साइड रखते हैं, बाद में सब कुछ मेरे को पैक करके रखना है, ठीक है। तो सेकेंड जो हम चीज़ लेंगे वो होगी ये बैग। ये बैग लेके आए हैं पापा, अपने लेके आए हैं ये बैग। पापा जैसे ऑफिस जाते हैं तो उसमें लंच वंच रखने के लिए, काफ़ी अच्छा है, डिसेंट कलर है, और मेरे ख्याल से ऑफिस गोइंग के लिए बहुत अच्छा है ये। स्पेस सफिशियंट है लंच बॉक्स रखने के लिए, आई गेस। लास्ट चीज़ ओके, इसके आगे कुछ नहीं है, सच में नहीं है। ये बैग पापा अपने लेके आए हैं ऑफिस के लिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें तीन कंपार्टमेंट्स हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले दिखाना चाहती हूँ, मैंने हर बैग में ये चीज़ देखी नहीं है। सो इट्स लाइक अ बटन, जिससे ये दोनों स्ट्रैप साथ में रहती हैं। आइदर आप इसे ऐसे रख सकते हो, या फिर आप इसे खोल के ऐसे रख सकते हो, ये एक स्ट्रैप तो अटैच रहेगी, तो गुम होने का डर नहीं है। मेरे लिए चीज़ें बहुत आसानी से गुम होती है, सो इट्स अ ग्रेट फिट। इसमें कंपार्टमेंट्स हैं, इसका सबसे बड़ा कंपार्टमेंट यहाँ पे है, मेन कंपार्टमेंट जो है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। अभी इसमें न्यूज़पेपर है, मैं इसे निकालूंगी नहीं, बिकॉज पापा का है तो पापा जब यूज़ करना चाहें। और इसमें आती है ये लीश, नहीं आई डोंट नो क्या बोलूँगी इसे, प्लीज़ मुझे बता देना, थोड़ी हेल्प कर देना कि क्या बोलते हैं इसे। इससे हम लगा के वो जो लॉन्ग स्ट्रैप होती है ना, ये वो है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्पेशली इसमें जो लास्ट में मेटल आता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। That's it, इस कंपार्टमेंट में तो यही है। और दूसरे जो दो कंपार्टमेंट है उसमें दिखा देती हूँ, एक बैक साइड में एक कंपार्टमेंट, ये एक सिंपल सी जिप है, काफ़ी डीप है, फाइन गुड, लाइक क्या ही बोल सकते हैं। ऑफिस के बारे में हम ज़्यादा हमें नहीं पता, तो हमें जितना दिख रहा है हम उसके बेसिस पे बताएंगे। और ये रहा लास्ट कंपार्टमेंट, ये फ्रंट में,
ये मैं लास्ट में दिखा रही हूँ, बट ये फ्रंट है बैग का। सो ये ऐसे खुलता है एंड दिस इज द जिप, ऐसे जिप है। ये काफ़ी बड़ा बैग है, इसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा और पापा ने मेनली इसलिए ही लिया है। सो अभी के लिए तो इतना ही है, बाद में देखते हैं। मम्मी पापा नीचे वॉक करने गए हैं, सब आते हैं फिर हम लोग जाएंगे डिनर करने। डिनर के टाइम पे आपको अपने साथ ले जाएंगे, तब तक के लिए देखिए। अभी मम्मी पापा ने हमें बुला लिया है डिनर करने के लिए और ये मुझसे गेट नहीं खुल रहा, बट एनीवेज मैं कह रही थी कि मम्मी पापा ने हमें डिनर करने के लिए बुला लिया है और हम लोग जा रहे हैं नीचे डिनर करने। और अगर आप देख रहे हो कि मैंने नाइट सूट में क्यों चेंज किया, दैट्स बिकॉज वो जो कॉम्बिनेशन था ना मेरी टी शर्ट का और नाइट ड्रेस के पजामे का, वो कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। सो आई थॉट दिस इज़ वे बेटर। अभी हम जैसे ही नीचे आए तो मम्मी पापा ने सूप ऑर्डर कर रखा था। हाँ ये देखो, ये पीने भी लगे, ज़रा सा वेट नहीं करता कभी भी। चलो डिनर आ गया हमारा टेस्टी टेस्टी। वो भी बताओ क्या क्या ऑर्डर क्या क्या किया ये बता दो। चना मसाला ये वाला, चना मसाला, दाल मखनी, शाही पनीर, इसके बाद कर्ड, सैलेड, पापड़ और गार्लिक नान और फिश माय फेवरेट। सो एवरीवन, हम रूम में आ गए हैं, डिनर हमने कर लिया है। डिनर बहुत टेस्टी था और अब डिनर हो गया है। तो हमारी स्वीट डिश में क्या है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। हम स्वीट डिश, मेरी तो फेवरेट है, आप भी बताना आपकी वो पसंद है कि नहीं। हम स्वीट डिश में खा रहे गुलाब जामुन, सॉरी फॉर द मेस। आप बताओ आपको गुलाब जामुन पसंद है कि नहीं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बहुत अच्छा लगा आपने अगर पूरा ब्लॉग देखा तो, थैंक यू सो मच। स्टिल लर्निंग, दिस इज डे टू एट जयपुर एंड कल का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, बिकॉज मैं क्लियरली बोलना चाहती हूँ, मैं इसी ब्लॉग में बताना चाहती हूँ कि कल का ब्लॉग बहुत स्पेशल है, बिकॉज कल मेरा बर्थडे है, मेरा 14th बर्थडे है कल। सो कल का ब्लॉग स्पेशल होने वाला है, सो प्लीज डू वॉच दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय।